हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार ट्वेंटी फोर सेवन मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं सभी लोगों को राम राम सभी लोगों को राधे राधे आ चुका हूं मैं यानी कि दीपांग सर आपके सामने आ चुके हैं यह क्लास आपकी हर रोज सुबह ग्यारह से बारह होती है साइंस की और जिस पे हम सभी लोग बिहार के बीएड और डीएलएड के एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर यानी जो आपका एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम उसको और भी गजब तरीके से बेहतरीन बनाने से लिए सभी लोग हमारे लग चुके हैं और जैसा आप कह रहे थे कि सर बैच आएगा बैच लॉन्च होगा क्या बैच में पेड बैच में सर आप प्रॉपर थ्योरी में पढ़ाइएगा क्या सब कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं कि बैच आपका कब से आ रहा है और कितने जल्दी आप लोगों को इनरोलमेंट करना है आठ कूपन कोड के साथ चलिए तो उस पर भी बात करेंगे वो भी मैं आप लोगों को एक बार झलक दिखा दूंगा पर उससे पहले हमारी कुछ एक लाइन हो जाती है कि कहते हैं कि मैं खुद जमीन हूं मगर जर्फ आसमान का है मैं खुद जमीन हूं मगर जर्फ आसमान का है कि टूट कर भी मेरा हौसला चट्टान का है बुरा न मान मेरे हर्फ जहर जहर सही बुरा न मान मेरे हर्फ जहर जहर सही मैं क्या करूं यही जायका मेरी जुबान का है तो भैया सीधी सी बात है कि अगर आप अभी भी चाहते हैं कि हमें हम कुछ करना है कुछ अच्छा करना है कुछ बढ़िया करना है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करते रहिएगा मेहनत एक सही दिशा में और हौसले को अपने टूटने मत दीजिएगा चाहे जितने भी लोग आके आपको यह कहे कि तुझसे नहीं होगा उतने लोगों को सुनाने के लिए आप अपने आप को और मजबूत बना लीजिएगा कि मुझसे ही होगा और मैं जब करके दिखाऊँगा उसके बाद आपसे पूछूंगा कि आपने ही बोला था कि तुझसे नहीं होगा ठीक है चलिए तो इसी के साथ और सबसे बड़ी बात है कि यही वो बैच है जिसकी मैं बात कर रहा हूं नागार्जुन बैच आपका 2024-26 बिहार डीएलएड का वैसे भी डेट आउट हो चुका है एप्लीकेशन फॉर्म डेट आउट हो चुका है भरा जाना शुरू किया जाएगा दस तारीख मुझे जहां तक याद है वो मैं बता देता हूं आप लोगों को तो यहाँ पर इस बैच के लिए एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है और मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा बने रहिएगा और आते हैं आज अपने काम के ऊपर जो कि हमारा अच्छा काम है ठीक है तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल गुड मॉर्निंग सर जीके जीएस की क्लास कब से स्टार्ट होगी कोशिश करता हूँ देखता हूँ जीएस के बारे में भी हो सकता है अगर हो सकता है मैं ही आपको जीके जीएस पढ़ा दूं जैसा भी है जो भी है परेशान मत होइएगा तो चलिए सभी लोग आ जाइए सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोटी कोटी प्रणाम खुश रहिए खुश रहिए सभी लोग अब क्वेश्चन से बात किया जाए है ना क्वेश्चन पे बात किया जाए मुस्कान जी आपकी समस्या मैं समझ चुका हूं उस समस्या का समाधान भी मैं बहुत बार अपने वीडियो में बताता हूं और आज भी मैं उस बात को बताऊंगा परेशान मत होइएगा बिल्कुल परेशान मत होइएगा मैं हूं ना चलिए किस प्रकार की मृदा जूट के लिए अनुकूल होती है अब देखिए व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज सूटेबल फॉर जूट कितने लोगों को यह पता होगा कि जो मृदा है जो सॉयल है वो जूट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कौन सी सॉयल है क्या उसे काली मृदा कहेंगे लाल मृदा बोलेंगे जलहोर मृदा बोलेंगे या पीली मृदा बोले जाएगा सवाल को देखने के बाद आराम से आप लोग करिएगा सवाल का जवाब नागार्जुन बैच के बारे में मैं बताऊंगा सर आप ही पढ़ाइए बिल्कुल मैं देखूंगा बच्चा मैं मैं सही बता रहा हूं मेरे लाल कि मैं उसको देखूंगा बताऊंगा क्या करना है ठीक है पर उससे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए हर एक बात मैं लूंगा आज क्लास में और हर एक बातों का जवाब भी आपको बताऊंगा परेशान मत होइए बस जी देखिए यहां पे सवाल का जवाब क्या होगा तो आप लोग बता रहे हैं काली एक्चुअली स्टूडेंट क्या है हमारा वो देखता है कहता है सर यही तो एक सॉयल हमें दिखा है नहीं ऐसा नहीं है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा ए जो बता रहे वो गलत है पहली बात दूसरी बात की सवाल का जो ऑप्शन नंबर सी होगा जिसे एल्यूवियल सॉयल कहा जाता है क्या कहते हैं जलहोर मृदा बोला जाता है तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अब सवाल तो यह भी बन सकता है पेपर में कि कि आपसे पूछा जाएगा जब हम की की बात कर रहे हैं, की बात कर कर रहे रहे हैं हैं मृदा मृदा तो यह बताइए का अध्ययन क्या कहलाता है स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाएगा चलिए जल्दी से बताइएगा कि स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाएगा यह भी तो एक सवाल बन सकता है, है ना जी तो बताइए जवाब में क्या होगा यानी स्टडी ऑफ सॉयल की भी बात कर रहा हूं मैं ठीक है चले बताइए यहां पे जवाब देने की कोशिश करिए सभी लोग अच्छा उसके बाद जलोहर मृदा की भी बात करते हैं स्पेशली जलोहर मृदा की अगर बात करें तो हम ये बता दें कि जैसे आपका गेहूं हुआ चावल हुआ मक्का हुआ गन्ना हुआ दलहन हुआ ये सारे लिख लीजिएगा देखिए इस तरीके से सारे लिख लीजिएगा एक होता है गेहूं हो गया मैंने कहा गेहूं हो गया चावल हो गया है ना आपका गन्ना हो गया ठीक है गन्ना हो गया और साथ में आपका मान लीजिए मक्का हो गया इस तरीके से अगर आप देखिए तो गेहूं चावल जो है गन्ना मक्का उसके बाद दलहन है ना दलहन हो गया दलहन के साथ तिलहन भी हो गया तो यह सभी आपकी जो अनाज है ये सब आपके जलहोर मृदा में ही उगाई जाती है सभी जो फसल आप देख रहे हैं इनकी खेती जलहोर मृदा में ही होती है जवाब के तौर पर ऑप्शन नंबर सी ठीक है अच्छा स्टडी ऑफ सॉयल की बात किया था मैंने तो याद रखिएगा पीडोलॉजी हो जाता है क्या हो जाता है पीडोलॉजी आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा एक सवाल आपका भी पूछा जाएगा क्या पूछा जाएगा जैसे कि मैं जीके का सवाल थोड़ा सा पूछने की कोशिश कर रहा हूं वैसे सोइल डे कब मनाते हैं यह सवाल तो बड़ा आसान है उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग यहां पर बता देंगे कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है चलिए भैया बताइए जल्दी से कि मृदा दिवस जो है यह कब मनाया जाता है जल्दी से हां कल मैंने होमवर्क दिया था और उस होमवर्क का मुझे जो है कमेंट भी मैंने देखा था तो वो चीज भी मुझे यहां पर पता चल गया था जो कि बहुत सही आप लोग जवाब दे रहे थे है ना चलिए सवाल का जवाब बताइए डे मृदा दिवस कब मनाते हैं तो आप एक बात बताएंगे सर सॉयल डे जो मनाया जाता है ये पांच दिसंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है पांच दिसंबर को ठीक है पांच दिसंबर को मनाया जाता है क्लियर है ठीक है बहुत अच्छे से चलिए आगे चलेंगे अगला सवाल देखते हैं अगला जवाब पर देखा जाएगा कहता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी जो है कहां पर स्थित है यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट की बात कर रहा है जवाब देकर बताइए सवाल का जवाब क्या होगा और अच्छा लगा सेशन तो शेयर और लाइक करना बनता है अपने आप को बढ़िया सा सेशन को शेयर और लाइक करते रहिए जवाब देते रहिए है।, है ना जवाब देखे दे समझ कर नहीं चलेंगे ना जीवन में समझ कर चीजों को सोचेंगे कि बस पढ़ लिए हम तो हम तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया अपने ऊपर पढ़कर सर क्या करें एक घंटा पढ़ ऐसा नहीं होता पढ़ाई के लिए पहली चीज तो समय मत फिक्स करिए कि हमें आठ घंटा पढ़ना है सात घंटा पढ़ना है या इसके लिए कोई समय नहीं है जब तक एक दिन का टारगेट पूरा ना हो जाए आपके मन में जो टारगेट आपने सोचा था वह तब तक जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आप उसके सोने का तो सोचिएगा भी मत अब टेबल से उठने का तो बिल्कुल मत सोचिएगा क्या समझे समझ गए ना जवाब दीजिए क्या होगा सर? अब आप ही दिल्ली नहीं जाएंगे दिल्ली आप नहीं जाएंगे वहां जितने भी स्टूडेंट पेपर दे रहे होंगे अगर ये सवाल आया ना, तो हर भारत की राजधानी ऐसा कुछ नहीं सर यहां पे जवाब दिल्ली नहीं होगा सवाल का जवाब हैदराबाद होगा मैंने पहले ही कहा था सवाल को दो बार देखने की कोशिश करिएगा जवाब सी हो जाएगा हैदराबाद गड़बड़ हो गया ना

ध्यान से सुनिएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल आया हुआ है जल्दी से कि इस सवाल में इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ेगा इसका मुख्यालय कहां पर पड़ेगा चलिए जल्दी से बताइए जरा सा यहां पर बात हो रही है एफ एस एस ए आई के बारे में यह जो है इसका मुख्यालय कहां पर पड़ेगा जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए ठीक है जवाब देकर बताइए सवाल का जवाब क्या होगा यहाँ पे हंस हैं हंस रहे हैं ना हंसना मना है पहले ही मैंने बोला था जवाब देने की को इंदिरा गांधी तो मैं बता ही सकता था कि आप लोग पहचान पर राष्ट्रपति का जवाब नहीं आया प्रेसिडेंट कौन था उन्नीस में कौन कौन से अधिनियम आए थे कौन कौन सा संशोधन हुआ था एक एक सवाल पे चर्चाएं होंगी एक एक सवाल पे चर्चाएं होंगी अच्छा इस सवाल का जवाब दीजिए देखिए यहां पर सवाल का जवाब बताइए एक सवाल तो यह है और दूसरा सवाल आपसे और है सी एस आई आर पहली बात की इसका फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कभी कदार बहुत घुमा के पूछता है और सीधा आप गलती कर बैठते हैं एक एक शब्द गायब कर देता है एग्जाम कैसे काउंसिल ऑफ इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पहली चीज तो यह याद रखिएगा साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ठीक है अब यह जो नाम आपका दिख रहा है इसमें क्या होता है कि पेपर में यह ऑफ गायब कर देगा फिर हो सकता है पेपर में रिसर्च की जगह कुछ और लिख देगा रिमोट लिख दे हो सकता है इंडस्ट्रियल की जगह यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिख दे तो कुछ भी लिख सकता है, है कि नहीं यह भी पूछा जाता है तो जवाब दीजिए कि इसका मुख्यालय कहां पर है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है देखिए यह जो सवाल मैंने किया यह आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सर यह न्यू दिल्ली में ही है न्यू दिल्ली है कहीं ऐसा नहीं कि आप रोम और इटली पहुंच जाइएगा रोम इटली में नहीं जाना है आपको ठीक है रोम इटली में नहीं जाना है यह आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा ठीक है सर जी बिहार दुर्गा में ना ओ में ऑप्शन टू होता है ना तो वन दो, दोनों रंग दिए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों रंग दिए हैं तो कोई समस्या नहीं वो वो सवाल आपका लिया ही नहीं जाएगा आंसर में वो आपका जब चेक कॉपी चेक होगा तो आपका लिया ही नहीं जाएगा उस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देगा एग्जामिनर वो लेगा ही नहीं अगर आप चार में से दो ऑप्शन ओमआर में भर दिए हैं चार ऑप्शन का दोनों टिक कर दिए तो लेगा ही नहीं वो चाहे जो भी आपका हो ठीक उसमें कोई दिक्कत नहीं है सीएसआईआर की बात करेंगे तो सीएसआईआर में याद रखिएगा न्यू दिल्ली हो जाएगा क्या हो जाएगा यह भी न्यू दिल्ली में है अच्छा एक चीज मैंने और पूछना था आप लोगों से एनडीआरसी भी तो पूछ सकता है ना पेपर में आप कहोगे सर ये एनडीआरसी क्या होगा अगर ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में पूछ दिया एनडीआरसी ना मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई नहीं बता पाएगा पर यही अगर मैं इसका नाम लिख दूंगा तो आप अभी देखिएगा तो बहुत जोर जोर से चिल्लाएंगे पूछे कैसे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बेसिक सा मतलब है कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बोल रहा है ये अब आप बता देंगे कि हाँ सर याद आ गया यह चीज याद आ गया याद आ गया ना तो बताइए कहां पर है अरे कहां है ये? ये अपने ही जगह पर है कहां पर कहा अच्छा कौन कौन पटना से है कौन कौन पटना से है नहीं है पटना से होना चाहिए नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा जवाब यहाँ एनडीआरसी की बात किया है ना तो एनडीआरसी में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में मौजूद है सर याद आ गया यह कहाँ पर है सर यह पटना में मौजूद है बात समझ में आ गया सभी लोगों को यह देखिए नेशनल डेवलपमेंट ऐसे ही गड़बड़ करिएगा नेशनल डॉल्फिन की हमने चर्चा की थी ठीक है अच्छा यह चीज भी क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है बहुत अच्छे वेरी गुड बहुत बढ़िया आगे चलिए जरा सा कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन चलिए जरा सा देखकर बताइए कॉटन की बात कर रहे हैं अच्छा कपास की खेती को क्या कहा जाता है एक चीज मैं आपसे और पूछूंगा देखिए क्या होता है ना कि दो तीन चीजें अगर हमें एक ही बारे में पता चल जाए जैसे दो तीन टॉपिक है उसका उसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाए तो कहीं से भी एग्जामिनर अगर घूमेगा तो हमें अंदाजा तो रहेगा ना कि आखिर में हमें यह चीज़ पता था यह चीज हमने पढ़ा था बस केवल यही अगर पढ़ के जाओगे तो कैसे चीज होगा है ना चलिए जवाब देने की कोशिश करिए और सेशन बढ़िया लगे तो आगे लाइक और शेयर करते रहिए जी बहुत बढ़िया हेलो देख लिए हैं जवाब बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे चाइना कोई बता रहा है कोई यूएसए भी बता रहा है हैं कोई आ, कोई जापान वाला तो नहीं है चाइना और यूएसए में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है ठीक है देखिए यहाँ पे हमने कपास की बात की है तो कपास की खेती पहली बात तो याद रखिएगा सेरी कल्चर होती है होती है कि नहीं होती कितने लोगों को पता है कि सेरी कल्चर विल राइट आंसर पूछ लू यहाँ पे देखिए सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है

चलिए बताइए बताइए कपास की खेती हमने पूछा था आप लोगों से जवाब नहीं आया अभी तक बताइए क्या कहते हैं कपास की खेती को चलिए बताइए बताइए सवाल का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा जवाब दीजिए क्या हो जाएगा जी जी देखिए यहां पर दो तरीके से चीजें होती हैं एक होता है कपास की खेती और एक होता है रेशम की खेती जब रेशम किट का बात करेंगे ना रेशम किट का बात करेंगे तब आपका वहां पर सेरीकल्चर आप बोल सकते हैं पर जब कपास की बात करेंगे तो कहां से आपको कपास में कॉटन आ जाता है कहां से बात बनेगी वहां पे है ना यही तो गड़बड़ है यहां पर हो जाएगा सेरी कल्चर, यहाँ पर नहीं होगा सेरी कल्चर, आगे चलते अगला देखते हैं अच्छा अगला देते हैं बता देंगे ऑप्शन दे देंगे सूर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सन अब सूर्य की बात हो रही है सन की बात हो रही है स्टेटमेंट देखिए कहता है कि सूर्य में नाइट्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं अच्छा सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत परमाणु संलयन है यानी एक न्यूक्लियर फ्यूजन है ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा सूर्य की ऊर्जा का स्त्रोत परमाणु विखंडन भी है नहीं सूर्य में हीलियम पूर्णता अनुपस्थित होता है अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद है ना इस क्वेश्चन को देखने के बाद एक चीज तो समझ में आ गई कि बी विल बी द राइट आंसर है ना तो सवाल का जवाब बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही इन्होंने बताया सन एनर्जी न्यूक्लियस फ्यूजन ठीक अच्छा अब एक बात और मुझे बताइएगा बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल मेरे एक तरीके से यह होता है कि जो आपका सूर्य है जैसा आपने कहा प्रकाश है ठीक है स्पीड ऑफ लाइट जरा बताइए एक प्रकाश की चाल कितनी होती है जो प्रकाश की चाल होती है उसका मान बताइए जरा सा उसकी वैल्यू कितनी होती है एक प्रकाश की चाल कितनी होती है सर स्पीड पूछा जा रहा है वैल्यू क्या होगा इसका एक बड़ा आसान सा सवाल है पेपर में बचपन से स्कूल में छा, छा में बताया जाता था कि लाइट बहुत तेज चलती है ध्वनि की चाल थोड़ी कम होती है प्रकाश की चाल की तुलना में तो अब यहाँ पे सवाल क्या जो बताइए कपास की खेती आप ही के लिए होमवर्क में है क्यों आप कोशिश कर रहे हैं उसको कौन सा कल्चर कहेंगे कॉटन हमने बता दिया ना कि कॉटन की बात हो रही तो अब वहां पर अंदाजा लगाइए दिमाग थोड़ा सा हम हाँ, जी अच्छा सब कुछ सर के ऊपर छोड़ेंगे ऐसा है कि सर ही लिखवा देंगे और सर बढ़िया सा जो है सब कुछ बता देंगे तो हम ठीक रहेंगे ऐसे नहीं होता है मेरे लाल थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन होता है टू नाइन गूगल कर रहे हैं गूगल करके जवाब दिया जा रहा है मतलब अच्छा ठीक है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है ऑप्शन यहाँ पे थ्री इंटू टेन टू द पावर एट होगा पहली बात स्पीड ऑफ लाइट हमने आपसे पूछा था दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा पूछिए क्या अच्छा एक बात बताइए सूर्य जो है का प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है सन जो है सूर्य जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है बात इतनी सी फंस गई कि एक बात बताइए पौधे में वह कौन सा तत्व है पौधे में वह कौन सा तत्व होगा मतलब सीधा सा है कि एलिमेंट पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा एलिमेंट है तत्व है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण हो पाता है यह बात आप हमें बताएंगे यह बात आप हमें बताएंगे कौन सा एलिमेंट पाया जा रहा है बस इतनी सी बात है क्योंकि क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसका कारण भी तो होगा ना कि वहां कुछ ना कुछ तो पाया जा रहा होगा उस बात कर रहे हैं उसकी तो वहां पर आपका जो होगा उसे मैग्नीशियम बोलते हैं मैग्नीशियम पौधे के क्लोरोफिल में मैग्नीशियम देखने को मिलेगा और उसी मैग्नीशियम की वजह से वहां पर प्रकाश संश्लेषण सर की प्रक्रिया हो पा रही है वरना प्रकाश के होने का कोई फायदा नहीं है 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 ये जो सूर्य है। है कि नहीं बहुत बढ़िया ठीक है बहुत अच्छे गुड मॉर्निंग भैया गुड मॉर्निंग अच्छा आगे चलते हैं जैसे जैसे कोई हिमालय पर ऊंचा चढ़ता है तो ये बताइए कि उसका जो तापमान होगा वह क्या होगा मतलब कि एज वन क्लाइंब हायर इन द हिमालय अब जैसे बहुत लोगों ने सपना तो देखा ही होता है कि कल को हमारी जब नौकरी लगेगी या कल को हम हम जब एक बी एड बी एड वी एड कम्प्लीट करने के बाद शिक्षक भर्ती में जाके जब हम दाखिला ले लेंगे शिक्षक बन जाएंगे या कोई एक सरकारी जॉब ले ही लेंगे सबका एक ख्वाहिश तो एक ही मोटिव होता है सरकारी नौकरी का तो गुरु जी उसके बाद मैं पहाड़ों पर जाऊँगा वो बर्फ वाली पहाड़ों पर जाके खूब जो है डांस करेंगे खूब जो है गाना गाएंगे है? फैमिली के साथ जाएंगे दोस्तों के साथ जाएंगे गुरु जी बड़ी इच्छा है हमारी हमें अच्छा लगता है ठंडा ठीक है तो वही चीज पूछ रहा है कि ज्यादा ऊंचाई पे मत चले जाइएगा कि नहीं हिमालय पे पहाड़ पे जाके हाथ ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं हेलो हेलो गड़बड़ हो जाएगा सारा खेल हंस रहे हंसना मना है इधर देखिए जवाब के तौर पर आप बता रहे कम हो जाता है जो कि बिल्कुल सही आपने कहा जो कि बिल्कुल आपने सही कहा कि भी कम लेस हो जाएगा यहाँ पर हिमालय पर ऊंचा चढ़ते हैं तो तापमान कम हो जाता है बात समझ में आया कि नहीं आया सर रिल्स बनाएंगे रिल्स बनाएंगे हाँ ये भी सही कहा आपने कि रिल्स बनाएंगे ऐसे भी आप लोगों के रिल्स तो शुरू होते ही रहते हैं अच्छा ठीक है अब एक सवाल मेरी तरफ से ध्यान से सुनिएगा बात है तापमान की किसकी है बात है तापमान की यानी कि टेम्परेचर की है ना जरा एक बात बताइए टेम्परेचर को मापने के लिए जो इकाई है उसका नाम बताइए इसको मापने के लिए जो इकाई होती है जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है चलिए जवाब देकर बताइए इसको करने वाली यूनिट कौन सी होगी यह बताइए फटाफट तरीके से जवाब दीजिएगा टेम्परेचर का सही यूनिट पूछ लिया गया है एक आसान सा सवाल है सर नोट करने के लिए टाइम दीजिए नोट करिए ना पूरी आप नोट करते रहिए है ना नोट करते रहे अगर हम बोल अगर हम उस चीज को बोल रहे हैं ना तो आप नोट करते रहिए तब तक है ना चलिए जवाब देने की कोशिश करिए चलिए चलिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा केल्विन हो जाता है बहुत अच्छे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा केल्विन हो जाएगा केल्विन आपका क्या होता है टेम्परेचर मापने के लिए इकाई होती है अच्छा एक सवाल और है आपसे अगर शरीर का तापमान कम हो जाए कल मैंने पढ़ाया भी था बताया भी था जल्दी से बताइए शरीर का तापमान जो होगा यदि कम हो जाता है तो वह कौन सा रोग है शरीर का तापमान अगर कम हो गया तो बताइए कि वह कौन सा रोग है वह कौन सा डिजीज क्या कहा जाएगा उस रोग को अगर बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया उसे क्या बोला जाएगा जल्दी से बताइए एक बार चलिए जवाब देने की कोशिश करेगा बॉडी का टेम्परेचर लो हो गया तो उसे क्या बोला जाएगा कल मैंने बड़े अच्छे से यह बात बताया था थर्मिया हमने बोला था और साथ में क्या बोला था हाइपोथर्मिया कहा था मैंने उसे क्या बोले थे हाइपोथर्मिया कहा था मैंने बात समझ में आया यहां पर तो हाइपोथर्मिया होता है जहां पर जब शरीर का तापमान कम हो जाता है तो वो रोग कहा जाता है हाइपोथर्मिया का ठीक है कि नहीं फीवर देखो देखो शरीर का तापमान कम हो गया हमें फीवर हो गया हाइपोथर्मिया है बोलते हैं उसे चमड़ा रोग चमड़ा रोग नहीं बोलते हैं मतलब कुछ भी मतलब आप तो ऐसा है कि अगर शरीर का तापमान कम हो गया तो एसिडिटी बता दीजिएगा उसको कि एसिडिटी हो गया है ऐसा कुछ नहीं होता है अच्छा डीएनए के दो पूरक रज्जुक यहां पर किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं बड़े संभल कर चलिएगा संभल कर ही जवाब देना है बड़े आराम सा एक मतलब आप ही के पेपर का सवाल है मैंने अपने मन से इसमें कुछ भी नहीं किया बस सीधा सा आप देख कर बताइए कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंड ऑफ डीएनए आर ज्वाइन टुगेदर

है ना इस तरीके से कोडोन जुड़े रहते हैं और यह कोडाउन के बीच का बॉन्ड पूछता है कि यह कौन सा बंधक है पूछा जाता है कौन सा बॉन्ड है कौन सा बंधक है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है कोडाउन को इसी की वजह से तो यह बन पा रहा है तो यही चीज यहां भी पूछ लिया तो आप बताएंगे सर उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं उसे क्या बोलते हैं उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहली चीज दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज यह है कि डीएनए की बात करेंगे है ना? जो जो डीएनए का मॉडल दिया गया था एक बार बताइएगा अच्छे पहले बता तो दीजिए है ना डीएनए को किसने कहा था कि यह एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है यानी किसने कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह कहा था कि डीएनए का स्टैंडर्ड डबल होता है भैया बात समझ द्विखंडन की बात कर रहे हैं ये बताइए क्या हो जाएगा मतलब द्वीखंडन कर रहा हूँ कुंडलिनी की बात कर रहे हैं कि डीएनए का जो है यानी डबल होता है डबल स्टैंडर्ड होता है तो ऐसे दो ही वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन और क्रिक याद रखिएगा यह बड़ा ही एक आसान सा सवाल है अब यह सब चीजें बहुत आसान हो चुकी है वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह बात बताई थी कि डबल स्टैंडर्ड वाला डीएनए ठीक है क्लियर है सर डीएनए में कितने बंद होते हैं टोटल डीएनए में बॉन्ड पूछ लिया जाए तब सर डीएनए में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं बंध कौन कौन से होते हैं यह भी पूछा जाएगा कौन कौन से होते हैं भैया यह भी आपसे पूछा जाएगा ठीक है तो आप क्या बताइएगा आप एक काम करिएगा चारों के नाम लिखवा देता हूँ जीवन भर याद रहेगा आपको यह चीज बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो यहां पर एक चीज तो ध्यान से रखिएगा कि डीएनए में जो बंद होता है जो बॉन्ड होता है वहां पे चार होते हैं कैसे कौन से सर एक होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉस्फोडाएस्टर बॉन्ड क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक है तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है पेप्टाइड बॉन्ड और चौथा जो होता है उसे कहते हैं आपका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो इस तरीके से चार ऐसे बंधक होते हैं डीएनए के अंदर जीवन भर याद रहेगा ये अब जीवन भर पेप्टाइड बॉन्ड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड चार बंध चार बॉन्ड होते हैं डीएनए में यह बात आप आज के बाद याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहां पे सवाल का सही जवाब होगा तीनों नाम देखिए लिखा हुआ है ठीक है कि नहीं बात समझ में आया ठीक है चलिए अच्छा आगे चलते हैं निम्नलिखित में से किसमें आंतरिक निषेचन होता है पहली बात विच आर फर्टिलाइजेशन अकर बताइए सर कल मैं सोच रहा था कि एक्चुअली सर पढ़ रहा था वो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ ना कि वो जो है अचानक से इंस्टाग्राम पे कुछ रील आ गया सर नोटिफिकेशन और मैं उसी के चक्कर में सर पांच छह मिनट क्या कम से कम आधे घंटे गवा दिए अब वही चीज हमें दिक्कत कर रही है होता है आप पढ़ रहे हैं अचानक से कोई नोटिफिकेशन आया क्लिक कर दिए अब उसके चक्कर में दस रील और देख लेंगे हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है है कि नहीं ऐसा होता है समझ रहे हैं और वही करते करते फिर पता चला कि समय हमारा खत्म हो गया सपना अगर पा, मतलब पाले है ना सपने अगर आपने पाले हैं कि नहीं मुझे कुछ बहुत अच्छा करना लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा करना है कि जो मतलब हमारे कहीं किसी क्षेत्र में नहीं किया गया या फिर कुछ ऐसा अपने लिए मुझे करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है क्या करना पड़ता है मेहनत करना पड़ता है है कि नहीं क्यों लो अच्छा हंस रहे हैं ठीक है इधर देखिए यहां पे सवाल का जवाब देखिए पहली बात कि निषेचन जो होता है अगर आपसे कोई कहे फर्टिलाइजेशन जिसे कहा जा रहा है फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन अब यह बताइए कि यह जो निषेचन है यह कितने प्रकार का होता है चलिए जल्दी से बताइए फर्टिलाइजेशन आपका कितने प्रकार का होता है कितने लोगों को पता है भाई कितने लोगों को यह बात पता है भैया लोग कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन निषेचन हस, हसना मना हंसना अच्छा सर मैं इंस्टा नहीं चलाती हूँ पता तो है ना इंस्टा नहीं स्नैपचैट चलाइएगा फेसबुक चला रहे होंगे कुछ लोग तो क्या कहते हैं उसको हुँ? पता नहीं का, का होता है अंदाजा नहीं छोड़िए फर्टिलाइजेशन की बात किए हैं भैया बताइए फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं हमने टाइप से पूछ लिया आप लोगों से सेशन मज़ा आ रहा है तो लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए है हाँ? दो तरीके से होता है अच्छा ठीक है दो तरीके का होता है कौन कौन सा होता है जी कौन कौन सा होता है जी बताइए ना दो तरीके का तो यहाँ पर एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन ठीक है और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी एक होता है आंतरिक निषेचन है ना एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बहमा निषेचन यानी बाहरी जिसे बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं बाहरी जिसे बोला जाता है ठीक तो यहाँ पर एक होता है बहमा निषेचन ठीक है यह बात तो याद आ गया ठीक है उसके बाद इस सवाल की अगर बात करें अब पूछा जा रहा है आंतरिक की बात तो आंतरिक में इंटरनल बोला गया है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमन के अंदर होता है मानव के अंदर होता है तो मानो यहां पर जो होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा कितने लोगों को यह बात पता थी है कि नहीं क्लियर है मानव शरीर के अंदर जो निषेचन होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है ठीक है क्लियर है बात समझ में आया उच्छा एक सवाल और है आप लोगों से एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं एस्ट्रोजन क्या बोलते हैं एस्ट्रोजन और एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन चलिए जल्दी से बताइए कि ये दोनों एक प्रकार के सेक्स हार्मोन होते हैं ठीक है अच्छा तो ये जो हार्मोन होते हैं किस किसमें पाए जाते हैं नर में या मादा में नर में या पुरुष में या स्त्री में ऐसे लिख लीजिए पुरुष में या स्त्री में चलिए जल्दी से जवाब दीजिए कि यह दोनों हार्मोन में यह किसमें पाया जाता है पुरुष में पाया जाता है कि स्त्री में पाया जाता है जल्दी से बताइए है जवाब दीजिए ना फीमेल हार्मोन है फीमेल हार्मोन है फीमेल अच्छा ठीक है चलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन जो है आपका एक स्त्री जनक हार स्त्रीलिंग हार्मोन ठीक है बहुत बढ़िया मतलब स्त्रीलिंग कर रहे हैं मतलब स्त्री लैंगिक हार्मोन है ठीक है, है बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा एक चीज़ और है एक सवाल आपसे और पूछा जाएगा क्या पूछा जा सकता है जैसे मेढक की बात करते हैं मेढक का चर्चा कर लेते हैं इसका साइंटिफिक नेम बता दीजिए जरा सा एक बड़ा बेसिक सा सवाल है पेपर में आना ठीक है जिसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा इसका चलिए बताइए मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है क्या बताएंगे आप सभी लोग तो यहां पर आपको यहां पर अंदाजा लग चुका होगा कि इसे बोला जाता है राणा टिग्रीना राणा जी मुझे माफ करना गलती मारे से हो गई समझ गए राणा टिगरीना हो जाएगा है कि नहीं राणा टिगरीना लिख लीजिएगा सभी लोग ठीक है क्लियर राणा टिगरीना चलिए आगे चलेंगे अगला सवाल देखेंगे ध्यान से देखिएगा सवाल आगे क्या कहता है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग का एक उदाहरण है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अ वाटर बॉर्न डिजीज चलिए भैया बताइए जवाब देकर क्या लगता है आप लोगों को सर बैच कब से स्टार्ट होगा देखिए बैच आपका स्टार्ट होगा मैं बताऊंगा तारीख भी बता दूंगा क्लास में बने रहिए और वो भी बता दूंगा कि कैसे आप हमारे डिस्काउंट मेरे डिस्काउंट कूपन कोड के साथ एनरोल करने पर आपको चीजें आसान से मिल जाएंगी बिल्कुल आसानी से है ना जवाब दीजिए नहीं कल मैं गाना सुन रहा था वो पता नहीं पवन सिंह का कोई नया गाना आया है नौ गो मतलब कैसे बोलता है नथुआ में नौ गो मजा आ गया चलिए वैसे सुनना चाहिए फ्रस्ट्रेशन कम होता है थोड़ा गाना वाना सुन लिया अब ये नहीं कि उसमें खो जाइए खोना नहीं है मैंने ये नहीं कहा कि आप खो जाइए कि दीपांक सर ने बोला था गाना सुनना है तो खो गए उसी में अब याद में चले गए पता नहीं कहाँ पे बैठे सोच रहे नहीं गाना सुनिए पर अपने इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा देर के लिए जवाब भी देते रहिए जवाब दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी आ रहा है डी और क्या आ रहा है ए आ रहा है क्या बात है मतलब बहुत अच्छे कुछ लोगों का सिया मनीषा जी बहुत बढ़िया सवाल का जवाब डायरिया हो जाएगा अतिसार जिसे कहा जाता है जल जनित रोग का उदाहरण पूछा था आपको कहना था सर अतिसार होगा अच्छा एक सवाल का जवाब मुझे और बताइए मान लीजिए कि एक रोग होता है जिसे कहते हैं हिपेटाइटिस रोग है ना हिपेटाइटिस यह बताइए कि हिपेटाइटिस ए हो चाहे हिपेटाइटिस बी हो यह जो रोग है इस रोग से शरीर का कौन सा अंग ज्यादा प्रभावित होता है चलिए बताइए शरीर का कौन सा अंग है बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिल इफेक्टफुल हो जाता है यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का यह बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में जल्दी से बताइए अच्छा नौ को गो आ हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गजब बहुत बढ़िया एकदम छा गया आप एकदम है ना अच्छा खेसारी लाल है अच्छा दीपावली जब आया था ना मजाक नहीं कर रहा हूँ दीपावली जब आया था तो खेसारी लाल का एक बड़ा बढ़िया गाना चल रहा था चुन्ना पोता दें कि पेंट करा दें बड़ा हमने रील देखा था उस पर हमने कहा यह बड़ा सही था अच्छा इधर देखिए हिपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं हिपेटाइटिस ए की बात कर रहे हैं यहां पर जो रोग हो रहा है हिपेटाइटिस ए जिस अंग को प्रभावित करता है उसे कहते हैं लीवर पहली बात ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से यहां पर यह रोग जो हो रहा है यह आपका हो जाएगा लीवर ठीक है लीवर यानी जिसे हम यकृत कहा जाता है यकृत को प्रभावित करता है साथ साथ यह जो बीमारी होती है एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है विषाणु जनित रोग है यह चीज तो क्लियर हो गया ठीक है उसी प्रकार से एक सवाल आपसे और है एक रोग है जिसे कहते हैं डिप्थेरिया जल्दी से बताइए डिप्थेरिया किस, कौन सा जनित रोग है किसकी वजह से किसकी वजह से यह रोग फैलता है जल्दी से बताइए किसकी वजह से यह रोग फैलता है जिसे आप लोग डिप्थेरिया बोल रहे हैं चलिए जवाब देने पे कोशिश करिए जरा सा कि जवाब क्या हो सकता है सवाल का डिप्थेरिया की बात हो रही है जवाब देने की कोशिश करिए सभी के सभी लोग और सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी करता रहिए सभी लोग टॉन्सिल्स कैसे होता है मतलब यहां पर आप बात कर रहे हैं टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो गया मतलब आपके यहां पर कंठ की बात हो रही यहां पर यह प्रॉब्लम हो गई आपको ठीक है अच्छा डिप्थेरिया की बात करें तो डिप्थेरिया एक ऐसा रोग है जो कि बैक्टीरियल इंफेक्शन है पहली बात तो बैक्टीरियल होगा तो बैक्टीरियल का मतलब हो गया कि यह आपका जीवाणु हो जाएगा या आपका क्या हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा तो बैक्टीरियल इंफेक्शन है 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 ना बैक्टीरिया से होने वाला रोग यह तो क्लियर है, पर यह यह आपके शरीर के किस अंग को बड़ा प्रभावित करता है भी तो समस्या है किसको प्रभावित करता है यह किस अंग को प्रभावित करता है तो आपके बॉडी का जो नोज है ना नाक जिसे कहते हैं नोज नोज हो गया नाक हो गया आपका गला हो गया नेक हो गया ठीक है गला हो गया नाक हो गया गर्दन हो गया मतलब गला हो गया यह दोनों जो आप देख रहे हैं सुनिएगा ठीक है इन दोनों का एक मेंब्रेन होता है जिसे कहते हैं म्यूकस और नेक लिख दिया हमने थ्रोट लिख दीजिए गला ना थ्रोट लिख दीजिए यहां पर म्यूकस मेंब्रेन इसी म्यूकस मेंब्रेन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है इस म्यूकस को बहुत ज्यादा झिल्ली जिसे कहा जाता है नाक का, का जो होता है, उसे ये बहुत प्रभावित करता है अच्छा अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा के स्थानांतरण के लिए आदर्श पदार्थ होगा चलिए जल्दी से इसका भी जवाब दीजिए यानी कि या यह कहा जा रहा है कि ट्रांसफर ऑफ हीट वुड बी आइडियल मटेरियल अब एक बार बताइए बार बार किसी को वही चीज कहेंगे तो उसको बुरा लगने लग जाता है होता होगा आप लोगों के साथ भी होता होगा होता ही है है ना तो एक मुझे एक, एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछूंगा आप पढ़ रहे हैं आपके घर वाले आपको बार बार यह बात कहते हैं पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ो ना पढ़ाई नहीं करोगे क्या जाके पढ़ो जाके पढ़ो ऐसे बोलते हैं बोलते हैं, अब जब आप ये बार बार सुनते हैं ना, तो आप अंदर एकदम कुछ 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 नहीं। नहीं, नहीं पढ़ लिया जितना तो ये सब चीजें थोड़ा सा होता है आप गुस्से हो गए हीट आपका उसमा आपका बढ़ गया गलत है यही चीज गलत है कहने दीजिए उनका काम वो निभा रहे हैं आपका तो पढ़ना आप पढ़ आपको पता है बस है ना कभी भी किसी को सही सा। ये बात तो याद रखा करिए जीवन में कभी भी लाइफ में आपके कभी भी कोई कितना भी कुछ कहे आप अपने आप से हो दुनिया कोई भी आपको कुछ समझाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीजों का है ना बात समझ रहे हैं होता है कभी कदार बहुत लोगों के साथ नहीं भी होता बहुत लोगों के साथ होता है अच्छा लार में युक्त पाचक एंजाइम लार एमाइलेज में किसका पाचन शुरू होता है इधर देखिए इधर देखिए ये क्या शब्द है ये लार शब्द है लार शब्द वो जानते कब होता है जब शादी में गए और देख लिए कि अरे बाप रे यहाँ तंदूरी रोटी भी है इधर फाफड़ा भी मिल रहा है इधर गुलाब जामुन पनीर कहाँ रखा है अरे वाह पूरा एक लाइन में लगा हुआ है लो अब मुँह से पानी आने लगा अब मुँह से पानी के चक्कर में यहाँ तक खा लिए हम खुशी खुशी में उसके शादी उनकी वो बेचारा खाया नहीं आप यहाँ तक खा लिए और ऊपर से दादी के नाम पे तो चाची के नाम पे मम्मी के नाम पे मार जो तो है उसका प्लेट पर प्लेट उठाया जा रहा है अरे वो मम्मी को देके आ रहे हैं पता चला पीछे एक दोस्त को खड़ा किए कि लेके चले जाओ पीछे से बताई हंसना मना है हंसना बिल्कुल मना है अच्छा इधर देखिए जवाब क्या हो जाएगा सवाल का जवाब यहां पर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है किसका पाचन करेगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा बात समझ में आया यह चीज तो क्लियर है ठीक है अच्छा अब ये जो हाइड्रो मतलब ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है ये कौन से एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा एंजाइम तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आपका याद रखना है आपको एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम की मदद से ही यह काम कर पा रहा होगा ठीक है अच्छा पेट में अगर मैं कहूं आपसे कि वसा का जो पाचन है बताइए कहां होता है तो वसा का पाचन कहां होता है आप बताएंगे स्टमक के अंदर होता है कहां होता है अमाशय के अंदर ठीक है स्टमक में आपका वसा का पाचन होता है बात समझ में आया अच्छा लाइपेज जो होता है सुनिएगा लाइपेज वो किसका पाचन लाइपेज क्या है सर सर लाइपेज 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 एक एक एंजाइम एंजाइम है 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 क्या यह किसका पाचन पाचन करता करता है है यह किसका किस चीज को डाइजेस्ट करता है तो देखिए जब लाइपेज की बात करेंगे ना तो लाइपेज जो है डाइजेस्ट तो, तो, तो करता है एंजाइम ये मतलब लाइपेज एंजाइम जो है डाइजेस्ट तो करता है पाचन तो करता है पर किस चीज का पाचन करता है आप बताएंगे सर वो फैट का पाचन करता है किसका पाचन करता है वसा का पाचन करता है ठीक है उसी प्रकार से एक चीज और पूछी जाती है एक चीज और पूछी जाती है कि यह बताइए कौन सा ऐसा जो है एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है एक ऐसे एंजाइम का नाम बताइए एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है किसका पाचन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है मतलब कि कहने का है प्रोटीन का पाचन करता है अब प्रोटीन का पाचन अगर करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है इसका मतलब यह है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कोई ना कोई एक एंजाइम होगा अब उस एंजाइम को हम बड़े प्यार से पेप्सिन भी तो बोल सकते हैं ना है नहीं बोल सकते बोला जाता है समझे बुझाना चाहिए यही पेप्सिन नाम का एंजाइम होगा क्या होगा नाम का एंजाइम होगा जो कि आपके इस प्रोटीन को पाचन करने में मदद करता है और यही एंजाइम यही 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 जो आप देख रहे हैं ना है ना यही स्टमक में पाया जाता है यह स्टमक में पाया जाता है है ना क्लियर है सभी को क्लियर है कोई बात नहीं यह चीज समझ में आया ना आना चाहिए समझ गए बाबू आना चाहिए ठीक है सर अच्छा एक सवाल और पूछ ले मान लीजिए आ ही गया तब तो, पूछ ले कि नहीं एक बात बताइएगा एस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपके शरीर में पाचन में मदद करता है ना इसका पीएच वैल्यू क्या होगा लीजिए सर ये तो बड़ा तूफान आ गया यहां पर बड़ा उफान में सवाल है ये सर एस का पी वैल्यू बताइए क्या होता है ठीक है बताइए चलिए जल का घनत्व तो किस तापमान पर सर्वाधिक होता है इस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए देखिए क्या होता आपका डीएलएड का डेट अनाउंस हो गया कब से फॉर्म भरा जाएगा कब तक होगा ये भी बीएड का अभी आना बाकी है पर तैयारी दोनों की तरीके से शुरुआत अब हम लोग कर रहे हैं कर रहे हैं पर उसमें अभी हम डी की ही शुरुआत कर रहे हैं जिसमें मैं ही आपको साइंस पढ़ाऊंगा और हो सका तो जीएस जी के भी मैं ही पढ़ाऊँ हो सका तो मैं नहीं कह रहा कि मैं ही पढ़ाऊंगा हो सका तो अब अगर आप लगे कि नहीं सर साइंस तो सर आपसे बनता है बीस क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं सर बहुत बड़ी बात है अगर आपको लगता हो तो जरूर आप आइए सर और कैसे जुड़ेंगे कहां जुड़ेंगे कब से बैच शुरू होगा कौन कौन आपको पढ़ाने वाले हैं सब कुछ बताऊंगा यह क्लास पहली चीज को ग्यारह से बारह डेली और एक बात और बता दें आप लोगों को एक बात और बता देता हूं मैराथन है संडे को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने जबरदस्ती रखवाया है अपनी ये क्लास अपनी ये क्लास मैंने जबरदस्ती तरीके से रखा है तो 11 से 2 संडे के इस मैराथन में आना भूलिएगा मत स्पेशली फॉर बिहार बी और डीएलएड की बात कर रहा हूं कजब क्वेश्चन होंगे लगातार 200 क्वेश्चन का निपटारा वही कराया जाएगा स्पेशल तौर पे फोर्स फायर की तरह एकदम फोर्स एकदम जैसे लगता है ठीक है अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर सभी के लिए है बीएड के लिए अभी बैच जो है वो मैं बताऊंगा पहले अभी की क्लास ये बीएड और डीएलएड दोनों के लिए है अलग कुछ भी नहीं होता मेरे साइंस को कभी 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 बदला, विज्ञान विज्ञान कभी नहीं बदली जा सकती मेरे दोस्त है कि नहीं अच्छा फोर डिग्री सेल्सियस यहां पर होगा जवाब सही है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर क्यों नीतीश जी ठीक है ना बहुत बढ़िया बुझाना चाहिए मेरे लाल कौन सा उपकरण पानी की गहराई को निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है देखिए कहा जा रहा है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड वेव को डिटरमाइन कर रहा है डेप्थ ऑफ वाटर में चलिए जवाब देने की कोशिश करिए वैसे जवाब देने की कोशिश करिए क्या होगा बताइए वैसे एक चीज और पूछे आपसे यूडियोमीटर क्या करता है किसी को पता है यूडियोमीटर का कार्य कोई बता पाएगा कि ये किसको मापता है या किस चीज को मेजर करता है पता है किसी को वैसे तो ये सब आप बता ही देंगे ये सब चीजें पर हम जो पूछे उसका जवाब हमें नहीं मिल पाएगा लग रहा है बताइए समुद्र की औसत गहराई जानते हैं कितनी होती है एवरेज दीप्त कितना होता है एक सी का बारह फीट कितना होता है बारह फीट है और सवाल का जवाब यहां पर होता है फैतोमीटर फैदोमीटर क्या बोलते हैं फैदोमीटर समुद्र की गहराई अब यह मत कहिए सर हमारे दिल की गहराई को कोई ना, होता है डायलॉग चिपकाते रहते हैं लोग हर रोज फोन पे जिसको देखो वही चिपका कभी हमारे दिल में झाँक कर देखिए आपकी आपकी ही तस्वीर नजर आ गई अच्छा हनुमान जी हैं आप नहीं आप क्या बजरंग बली हमारे हैं बताइए पिक्चर पिक्चर होता है असल जिंदगी कुछ और है अब असल जिंदगी में भी शाहरुख खान वाला चीज लेके चल रहे हैं गड़बड़ तो होना ही है अच्छा इधर देखिए कार्य मापता है कौन सी चीज को मापता है जवाब जवाब दीजिए जरा सा क्या बताएंगे चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर फ्रॉम फिजिकल और केमिकल चेंज यानी कि क्या करता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस मतलब गैस का जो आयतन होता है ना उस गैस के आयतन को मापने का काम यह कर रहा है बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं समझ रहे हैं ना हाँ तो जो गैस मिश्रण की मात्रा है उस गैस मिश्रण की मात्रा का जो परिवर्तन है गैस मिश्रण की जो मात्रा है उस गैस मिश्रण की मात्रा का जो परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन कहाँ होता है फिजिकल या केमिकल चेंज में भौतिक या रासायनिक क्रिया के दौरान उसी को मापता है ये भौतिक या रासायनिक क्रिया के दौरान फिजिकल और केमिकल चेंज के समय आपका यहां पर याद रखिएगा

मार्सिलियो लैंड्रियानी बड़ा प्यारा सा नाम है नाम याद रखिएगा हम बता देते हैं इनका खोज किसने किया था तो मार्सिलियो लैंड्रियानी बड़ा ही अच्छा नाम है मार्सिलियो लैंड्रियानी ठीक है लैंड्रियानी तो यहां पर यह आपके हो जाते हैं जिन्होंने वीडियो मीटर को खोजा था कब खोजा था 1775 में खोजा था एक एक बात मैंने आपको छपवा दिया है पूरा आ जाएगा रूपा जी आ जाएगा परेशान मत होइए आप ठीक है क्लियर यह चीज बहुत बढ़िया आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता को मापता है चलिए जवाब देने की कोशिश करिए भूकंप की तीव्रता को मापा जा रहा है यहां पर हाइग्रो थर्मो या सिस्मो क्या हो जाएगा पेड़ की टाइमिंग आपको बता दी जाएगी कि पेड़ की टाइमिंग क्या है अभी बस केवल और केवल बैच का मैं स्टार्टिंग डेट बता दूंगा कि बैच कब से शुरू होने वाला है यदि आप इनरोल करना चाहे ये दिख रहा होगा लगाकर जुड़ सके अब कैसे होगा अब सब बताता हूं पहले हम लोग अपना काम कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हुआ विजय कुमार जी तो जवान वाला सिंबल भेज रहे हैं जवान वाली मूवी देख उसमें ऐसे ही कपड़ा बांधा रहा एक आंख से ढका रहता है डी होगा नहीं डी होगा हाँ, हाँ सही नहीं सही बता रहे बाप। बोला ये सही कहा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है पर यह भी तो पूछेगा कि मीटर का कौन है बताइए मतलब इसके आविष्कार कौन हो जाएंगे इसको आविष्कार इसके इन्वेंशन इसको आविष्कार इन्वेंशन किसने किया था इसका आविष्कार किया किसने था तो पामेरी नाम के एक वैज्ञानिक होते पूरा नाम अगर लेंगे तो लुईगी लुइगी पामेरी समझ रहे बात को तो लुइगी पाइमेरी के द्वारा खोजा गया था इसको इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया था मतलब इन्वेंशन जो किया गया लुइगी पामेरी के द्वारा किसके द्वारा यह वैज्ञानिक का नाम है साइंटिस्ट है लुइगी पामेरी जिन्होंने सस्मोमीटर को खोजा था क्लियर है बहुत अच्छे चलिए आगे चलते हैं दूरी मापने की उच्चतम इकाई क्या होती है चलिए बताइए दूरी मापने की उच्चतम इकाई क्या होती है जवाब के तौर पर सही जवाब दीजिएगा सेशन अच्छा लगे तो हर एक स्टूडेंट को पहुंचाइएगा वो स्टूडेंट जो हमारे विद्यार्थी जिनके पास थोड़ी समस्याएं हैं बेचारे तैयारी कर रहे हैं कॉलेज में लास्ट ईयर में है उनको एक इच्छा है बी एड बिहार बिहार के बी एड एंट्रेंस में बिहार बी एड का एंट्रेंस का एग्जाम दीजिए गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा शांति से आप पढ़िए छात्रवृत्ति का फॉर्म भरिए पैसा रिटर्न उसके बाद एस्टेट का फॉर्म भरिए निकालिए इस्टेट को उसका टी जी टी पी जी टी शिक्षक में जाइए बढ़िया सा भर्ती होगी बढ़िया तरीके से बैठ के आराम से अपना पढ़ाइए अपने जीवन को आशाकार बनाइए ठीक है चलिए यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा पारसेक हो जाएगा क्या हो जाएगा पारसेक हो जाता अब एक सवाल बनता है एक प्र, एक में, एक में, एक में में पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है यह बताइए टू हाउ मच लाइट ईयर चलिए सर जरा इसकी वैल्यू अगर हमें बता देते इसका मान कितना होगा इसका मान कितना होगा एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है पता है आपको नहीं पता ना बताइए अच्छा एक फर्मी की वैल्यू बता सकता है कोई एक फर्मी जो है कितने वैल्यू के बराबर है पता है 10 टू पावर माइनस -15 10 के घात माइनस -15 जो होगा ये आपका याद रहेगा 10 टू पावर -15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी 1f इसको 1f कहते हैं 1f इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 मीटर ठीक है लाइट ईयर बताई 3.26 3.26 बात समझ में आ रहा 3.26 पर यही अगर ये 3.26 किस में है किसमें है आपका मीटर में है और आगे लेके जाएंगे तो किलोमीटर में इसकी वैल्यू कुछ और दिखाएगी 3.09 क्या कहते हैं उसको आ, 10 टू पावर 13 किलोमीटर में होगा लो यह भी लिख लो या तो यह होगा या तो यह होगा एक और हो जाएगा अगर मिल में पूछोगे तो भी मैं बता दूंगा मिल में इसकी वैल्यू हो जाती है 1.92 92, 92 10 टू पावर 13 मिल लो खत्म बात खत्म चीज टाटा बाय बाय हो गया इसका है ना और कुछ पूछना है 1 पारसेक इज इक्वल टू तो 3.08 10 के पावर 16 मीटर ये एक वैल्यू है 1 पार्सेक की एक पार्षिक की वैल्यू अगर पूछ ली जाए ये तो प्रकाश वर्ष हमने पूछा पर केवल एक पार्सिक की अगर वैल्यू पूछ लू मैं आपसे तो आप यह बताएंगे इज इक्वल टू टू पावर मीटर ये एक की वैल्यू है यहां पर एक पार्शेक इतने प्रकाश वर्ष के मीटर में बराबर होता है इतने किलोमीटर में बराबर होता है इतना जो है आपका मील में बराबर होता है एक एक चीज को लिख के आपके सामने रख दिया मजा आया आया ना मजा चलिए आना चाहिए रंग दृष्टिहीनता किसके कारण होता है यही सवाल आज, आज आपका मैं होमवर्क में देता हूं आपको यही सवाल आज, आज आपका होमवर्क में रहेगा बात समझ में आ रहा है अब जल्दी से सभी लोग जो है जल्दी से सभी लोग आ जाइए और मैं आपको बता दूं कि कैसे आप बिहार का जो है डीएलएड का बैच आ चुका है बिहार डेलेट के बैच के लिए आप लोग बहुत बोल रहे थे बहुत कह रहे थे बहुत देर से आपने बताना शुरू किया था कि सर प्लीज हमें पढ़ना है आपसे तो कोई बात नहीं अब मैं आप लोगों के लिए कल ही मैंने बहुत सोचा था और आज ही है ब्रिलियंट है यहां पर देखिए ये आपका नागा अर्जुन बैच नागा अर्जुन बैच कूपन कोड है वाई हाई डिस्काउंट पे आपको यह बैच मिलेगा यदि आप नागा अर्जुन बैच बिहार डेलेट इंट्रेंस एग्जाम 2024-26 फाइनल सिलेक्शन बैच फाइनल सिलेक्शन बैच इस पर भी गौर करिए जिसमें आपको मिलेंगे सिंटू सर इंग्लिश के साथ दीपा मैम आपको मिलेंगे हिंदी के साथ कौशल सर मिलेंगे जीके जीएस के साथ दिव्यांग दीपांक सर मिलेंगे साइंस के साथ डीके सर आपके मिलेंगे यहां पर रीजनिंग के साथ चंदन सर मिलेंगे मैथ्स के साथ और आपके सोनम मैम मिलेंगी स्टैटिक जीके के करंट अफेयर के साथ ठीक अब यह सारी फैकल्टीज आपके सामने है कैसे होगी क्लास कैसे होगी सब बताया जाएगा बट अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि इस बैच को कैसे आप इनरोल करेंगे तो एक काम करिएगा कि गूगल पे आने के बाद अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन को आप क्लिक गूगल आइएगा अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन ऐसे सर्च कर लीजिएगा ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग देख लीजिए फिर जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है इंडिया लार्जेस्ट वर्ना प्लेटफॉर्म गए ऐसे दिखा आपने यहाँ पर आई डी लॉग इन करनी होगी ठीक है यहाँ पर आपको आई डी लॉग इन करनी होगी साइन अप का ऑप्शन आएगा लॉग इन करिएगा ई मेल आई डी अपना डाल के जैसे भी उसके बाद भी स्टेट एग्जाम पे आइएगा बिहार पे आइएगा अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको तैयारी अपनी बनानी है तो बिहार डीएलएड 2024 दिख रहा है बिहार डीएलएड 2024 ऐसे क्लिक करना है यह देखिए यहां पर नागार्जुन बैच बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करिए आप लोगों ने क्लिक के बाद बड़े गंभीरता के साथ शौक से देखिएगा गंभीरता से शौक से देखिएगा डीएलएड के लिए आपके पास दो दो टीम लगाई गई है दो दो फैकल्टीज मिलेंगे जनवरी दो है कब से शुरू हो रहा है जनवरी 2024 से सीट है आपका 500 500 पांच सौ का एडमिशन होगा अगर आप लेट करेंगे तो आपको नुकसान है आठ बजे से ग्यारह बजे तक एक पेड बैच का टाइमिंग रखा गया है एक बैच टाइमिंग छह से नौ बजे तक रखा गया है डीएलएड वालों के लिए बड़े ध्यान से समझिएगा अब सभी एग्जाम अगर आप यूपी पे भी कर रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं ऐसा नहीं है केवल बिहार यूपी वाले भी आ सकते हैं पढ़ाई सब्जेक्ट विषय कभी नहीं बदलेगा लेवल हम हमेशा हम लोग हाई रख के ही पढ़ाते हैं हमेशा हाई लेवल पे मतलब कंटेंट में कोई कमी नहीं रखेंगे हम लोग ना रखा है कभी भी वैलिडिटी छः महीने की है अब बाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है जो कोर्स आपको सत्ताईस सौ का दिख रहा है आप यहाँ पर उसको वाई जब ऐसे अप्लाई करेंगे वाई अप्लाई करने के बाद वही कोर्स मात्र छ रुपए का मिलेगा मात्र छ का अगर आपको लगे ध्यान से देख लीजिए बाद में मुझसे मत कहिएगा कि सर हमें आपने मौका नहीं दिया बड़ा महंगा दे दिया ऐसा कुछ नहीं इतनी सारी फैकल्टीज और मात्र ए सिक्स फोर्टी थ्री का अगर आपको विश्वास हो तो आप अभी के अभी क्लास के बाद अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन के जाके जाके एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लगे तो ये आपका सिक्स का बैच है कूपन कोड मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होगा डिस्काउंट कूपन कोड आपका Y838 हो जाता है ठीक है चलिए तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही थैंक यू सो मच टेक केयर बाबा बाय चैट बंद कर दिया क्या इसने नहीं अच्छा हटा दिया है बढ़िया चल रही है